आज हम डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग इस सीरीज का मॉड्यूल नंबर 4 देखने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रेम्स फ्रॉम लिस्ट ट्यूपल सेट एंड डिक्शनरी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं थोड़ा सा मिस कर चुका था स्टार्टिंग में। मैं लास्ट लेक्चर में देना चाहिए था, तो मैं ये कंप्लीट करके फिर हम डेटा के साथ खेलते बैठेंगे इससे आगे। ठीक है, तो डायरेक्टली लेके चलता हूँ आपको जुपिटर नोटबुक पे। जुपिटर नोटबुक पे जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट लेंगे और उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे टू द डेटा फ्रेम। मतलब जो भी डेटा अदर फॉर्मेट में अवेलेबल है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस माध्यम से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद उसके फॉल फैसिलिटीज हम यूज कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट में कोई डेटा है और उसको आपको कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम में। तो मेरे पास समझो L1 नाम का कोई लिस्ट है जिसमें कोई तो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, 100, 80 और एक मैं क्या बोलता हूँ 89, और मैं बोलता हूँ 75, और उसके बाद में 64, और उसके बाद में 95, उसके बाद में 45, ऐसा कोई तो भी लिस्ट है। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है, ये रन हो गया। तो हमें तो जैसे पता है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा पांडास को। इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो डिपेंडेंसीज इम्पोर्ट हो रही है, इम्पोर्ट पांडास एस पीडी। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि पांडास को एलियास पीडी में इम्पोर्ट करना है। उसके बाद में देखिए, मैं इसको डेटा बोल के स्टोर करता हूँ। देखो कि लिस्ट स्टोर हो जाएगा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होके डेटा डेटा में स्टोर। तो डेटा क्या बन गया, डेटा फ्रेम बन जाएगा। तो पीडी का एक सर्विस है डेटा फ्रेम्स, और इसमें डालना है L1 को खत्म। ये बन जाता है डेटा एज डेटा, क्या बनता है टाइप ऑफ डेटा। हम लोग देखते हैं, देखो टाइप ऑफ डेटा क्या हो गया, ये पांडास कोर फ्रेम डेटा फ्रेम बन गया डेटा फ्रेम। चलो मैं बोलता हूँ डेटा कैसे दिखता है, देखिए हम लोग। ठीक है, लिस्ट का डेटा कैसा था, 89, 75, 64 एंड देखिए टेबुलर फॉर्म में आ गया। आप बोलोगे कि इसको कॉलम को हम लोगों को नेम देना है, तो इम्पोर्ट करते टाइम ही हम लोग इसको कॉलम को नेम दे सकते हैं, COL कॉलम्स। कॉलम्स का नाम क्या है समझो, फॉर एग्जाम्पल ये मार्क्स है, समझो किसी स्टूडेंट के मार्क्स है। ठीक है, तो मार्क्स बोल के कॉलम का हेडिंग दे दिया मैंने। तो देखिए अभी क्या हो गया, अच्छा ये इसको डालना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि कॉलम्स मल्टीपल भी तो हो सकते हैं ना, इसकी वजह से हमारे केस में सिंगल कॉलम है तो मल्टीपल हो सकते हैं, तो उसमें हम लोगों को सीरीज देना पड़ता है। इसके लिए वो लिस्ट के फॉर्म में देना पड़ता है कॉलम्स का नेम। और मैं अभी देखता हूँ तो मार्क्स देखो आगे, चलो वर्किंग वेरी फाइनली। आप बोलोगे कि सर ये एक सिंगल लिस्ट है तो उसको हम लोगों ने कर दिया, पर अगर मेरे पास मार्क्स और नेम्स है, स्टूडेंट का नाम और मार्क्स, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट कैसा फॉर्मेट हो सकता है वो मुझे बताएं। लिस्ट इन लिस्ट या ट्यूपल्स इन लिस्ट हो सकता है, तो मैं लेता हूँ ट्यूपल्स इन लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ द स्टूडेंट इज महेश, और महेश के मार्क्स क्या है, 89 है। मतलब सेकेंड एलिमेंट ऑफ ट्यूपल्स अवेलेबल इन साइड क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, एंड सेकेंड एलिमेंट क्या है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन ईच ट्यूपल। तो ऐसा अगर हमारे पास लिस्ट है तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। महेश, दूसरा स्टूडेंट है रमेश, तीसरा स्टूडेंट, अरे क्या हो गया, चलो कोई कोई, अरे लिस्ट ऐसा कुछ लिस्ट है। ठीक है, उसके बाद में ईच ट्यूपल में पहला एलिमेंट क्या है, ईच ट्यूपल में पहला एलिमेंट है नेम ऑफ द स्टूडेंट, और दूसरा एलिमेंट क्या है, मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। तो चलो बन गया, बढ़िया। इसको मैं रन कर देता हूँ, ये लिस्ट तो बन गया मेरा। उसके बाद में डेटा फ्रेम में उसको इम्पोर्ट करना है L1 को। कॉलम्स रहेंगे दो, नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट, एंड सेकेंड एलिमेंट क्या रहेगा यहाँ पे, मार्क्स ऑब्टेन,
मार्क्स ऑफ 10 आउट ऑफ 10 थोड़ा सा डेकोरेटिव हम लोग उसको बना रहे हैं और कुछ भी नहीं बाकी। चलो ठीक है, चलो देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे आ गया, मार्क्स ऑफ 10 बाय द स्टूडेंट यहाँ पे आ गया। चलो डेटा फ्रेम बन गया टेबलर फॉर्म में। देखो इसको अगर अगर आपको बोलोगे कि ट्यूपल को कैसे करना है तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, ट्यूपल को खाली मैंने इसको ट्यूपल में बना दिया है, सेम ही है, कोई प्रोसेस डिफरेंट नहीं है, इसलिए फिर मैं इस पे ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट है सेट का भी सिमिलरी रहेगा, ठीक है, इसी को मैं अगर सेट बना देता हूँ, सेट इंस्टेड ऑफ ट्यूपल इट विल बी अ सेट, सेम ही है, इसलिए फिर मैं इसी को एडिट करके बता देता हूँ। एक इम्पोर्टेंट है डिक्ट वाला, वो मैं थोड़ा सा और डिटेल में दे दूँगा। बन गया, चलो रन करके देख चुके हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट है वो डिक्ट वाला, डिक्ट डिक्शनरी, डिक्ट में अगर डेटा है और उसको स्टोर करना है, ऊपर का जो डेटा है ना अपना ये वाला L1 वाला, उसी को क्या करते हैं हम लोग डिक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के, डेटा सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिस्ट में डेटा है तो उसमें डिक्ट को डिक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देखेंगे, उसके बाद में डिक्ट में जो डेटा है उसको डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करना है वो बाद में देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ देखिए, एक D1 नाम का अगर आप हम लोग ऐसे डिफाइन करते तो ब्लैंक डिक्शनरी बन जाता है, ठीक है। D1 क्या रहेगा, डेटा टाइप ऑफ द D1 विल बी डिक्शनरी बाय डिफॉल्ट, अगर हम सेट नहीं बनेगा वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, मार्क्स नाम का एक एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ। इस टाइप के अगर आपको प्रॉब्लम्स देखने हैं ना और सारे, तो आपको प्रॉब्लम्स प्रोग्रामिंग पाइथन प्रोग्रामिंग नाम का हमारा एक प्लेलिस्ट है, उसमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में और एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या स्टोर करेंगे, नेम्स, वो ऊपर बनाता हूँ, ठीक है, नेम्स, नेम ही बोलता हूँ, नेम, एम्प्टी लिस्ट बना दिया। उसके बाद में मैं फॉर लूप अप्लाई कर रहा हूँ, इस पे फॉर आई इन L1, यस L1, ठीक है। तो आई में क्या आ जाएगा फिर, L1 का ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, जिसमें आई ऑफ 0 क्या रहेगा, नाम रहेगा, आई ऑफ 1 क्या रहेगा, मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो वो लूप चलता जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, नाम में नाम को अपडेट करता हूँ, नेम डॉट अपेंड, नेम डॉट अपेंड, नेम डॉट अपेंड का नेम किस में रहेगा, आई ऑफ 0 में रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में मार्क्स डॉट अपेंड क्या रहेगा, आई ऑफ 1 रहेगा, आई ऑफ 1, खत्म, सिंपल सी बात है। यहां तक कि हम लोगों ने कर लिया, अभी क्या करेंगे, देखो ये जो नेम्स में क्या रहेंगे, नेम रहेंगे और मार्क्स में क्या रहेगा, मार्क्स रहेगा। तो अभी D1 को हम लोग अपडेट करते हैं, D1 डिक्शनरी है ना, D1 ऑफ, मैं क्या बोलता हूँ, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट रहेगा, क्या रहेगा, नेम्स रहेगा लिस्ट, ठीक है। उसके बाद में नेम्स, नेम नहीं, नेम्स नहीं, नेम, ठीक है। और D1 में और एक क्या बोल सकते हैं, की ऐड करना है, की का नाम क्या है, मार्क्स ऑफ 10, मार्क्स ऑफ 10, मार्क्स ऑफ 10, वो क्या रहेगा, मार्क्स, मार्क्स का जो हमारा, देखिए मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, D1, D1 कैसे दिख रहे, देखो अपना पर्पस सॉल्व हो गया, ये हो गया की, ये हो गया उसके वैल्यूज, ये हो गया की, ये हो गया उसका वैल्यूज, मतलब इन शॉर्ट जब डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉलम है तो ये हो जाएगा कॉलम वैल्यूज, ठीक है, ये हो गया कॉलम है तो ये हो जाएगा कॉलम वैल्यूज, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, अभी क्या करते हैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। डेटा इज इक्वल टू क्या, डी एफ पर पीडी, पीडी डॉट डेटा फ्रेम ऑफ D1, खत्म। डेटा में क्या रहेगा, डेटा आप देख सकते हो, ओके। तो इस तरह से हम लोग
देखो डिक्शनरी भी हम लोग जब स्टडी करते हैं ना ऐसे इंटरप्रेट करने का, कॉलम हेड इज आर द कीज एंड उसमें कॉलम के जो डेटा रहेगा ये तो वैल्यूज रहेंगे वो रहेंगे जो भी अवेलेबल है इन द कीज, ये कॉलम हेड हेडिंग ऑफ द कॉलम एंड दीज आर दी। चलो हम लोग ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर कर चुके हैं जो हमें लिए हमारे प्रीरिक्विजिट लगता था, या तो फिर प्रोजेक्ट में काम करते टाइम जो भी प्रॉब्लम आएगा उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन लगती थी या तो कन्वर्जेंस लगते थे। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ डेटा को रिफॉर्मेटिंग भी करने की कोशिश की है, डिक्शनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है वो जरूर आपके काम में आ जाएगा जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते रहोगे। इसी के साथ उठते हैं, स्टे कनेक्टेड, विजिट आवर बेसिक प्लेलिस्ट मल्टीपल टाइम्स बिकॉज ये जो फिक नॉलेज है थोड़ा सा फिक्सेशियस रहता है, थोड़ा रिपीटेटिव भी आपको देखना पड़ता है, रिवाइज कर दीजिए और यहाँ पे डेटा साइंस के लिए जंप कर दीजिए और स्टोर हो जाएगा, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा फिर से आप रिविजिट कर सकते हो। चलो रुकते हैं यहाँ पे, नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे हम लोग देखने वाले अगले वीडियो में मैपिंग कॉलम्स।